ये धरना देश की बेटी होगा ना, यहाँ राजनीतिकरण होगा ना धार्मिकरण होगा। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनेश का और ओलंपिक में कुश्ती में साक्षी का, कुश्ती के दो मेडल हैं, दोनों बेटी यहाँ बैठी। पुरुष प्रधान देश में औरतों ने आवाज जब जब उठाई है, जब उनके साथ अति होगी है, बगैर अति के कोई आवाज नहीं उठाई है, चाहे आपकी बहन बेटी हो चाहे मेरी हो। देश में प्रधानमंत्री न्याय नहीं दिला सकता, राष्ट्रपति न्याय नहीं दिला सकता, तो भगवान राम से आस करके ये न्याय मांगा जाएगा। इस पर नकेल प्रधानमंत्री या गृह मंत्री रख सकते हैं, इसलिए ये आके बताते हैं। ऐसी कौन सी ताकत है जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई में ये देरी हो रही है? कहीं मुल्क में ऐसा ना हो जा जैसा कुछ समय पहले खिलाड़ियों में अमेरिका में होया था। एक खिलाड़ी था मोहम्मद अली, बॉक्सिंग चैंपियन था, गोल्ड मेडलिस्ट था ओलंपिक का। वो जब अपने देश में गया तो सम्मान की नजरों से, सम्मान की राहों से देख रहा था, अगर आप मेरे को मेरे देश में जाने पर सम्मान मिलेगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ जाति और क्षेत्र के नाम पर बार बार मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, उस टाइम संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अश्वेत होने के कारण उनको सम्मान नहीं दिया गया और उनने वो अपना मेडल दरिया में बहा दिया था। दरिया में अकेला वो मेडल नहीं बहा, उस देश की, उस संयुक्त राज्य अमेरिका की भावना भी बह गई थी। और उस टाइम अमेरिका के इतिहास में खिलाड़ियों के मामले में एक ऐसा इतिहास लिखा गया जिसमें अमेरिका का नाम काले अक्षरों में लिखा गया। उस टाइम अमेरिका ने यह सोचा कि इस बात को कैसे डिफेंड किया जाए। 100 उस टाइम जितने अमेरिकन थे उन उस नदी में डुबकी लगाई, लेकिन मेडल को नहीं ला सके, ना उस अमेरिका की भावनाओं को। आज वही स्थिति इस देश में भी हो रही है। जब एक लड़की, जब ये लड़की 130 करोड़ का मुल्क में दो लड़की बैठी है, यहाँ दो ही हमारे मेडल हैं। 76 साल देश ने 75 साल आजाद हुए होंगे, सिर्फ दो मेडल आए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनेश का और ओलंपिक में कुश्ती में साक्षी का। कुश्ती के दो मेडल हैं, दोनों बेटी यहाँ बैठी। बार बार मैं ये कहा जा रहा है कि इनके साथ नहीं। आज बजरंग पुनिया को, विनेश को, साक्षी को, वीरेंद्र सहवाग को, नीरज चोपड़ा को, विजेंद्र बॉक्सर को, कपिल देव को, युवराज सिंह को, इरफान पठान को, सानिया मिर्जा को, सबको हरियाणा से जोड़ कर देखा जा रहा है। ये एक अखंड भारत की जो लड़ाई है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होने लग रहा है। ये देश को खंड खंड करने की कामना की जा रही है। तो इसलिए आप लोग है ना, जो 140 करोड़ का मुल्क है, हम सब लोगों की ये भावना बनती है कहीं यहाँ पर न्याय ना मिले और कहीं कोई ऐसी कॉल ना दी जाए। जब लोग ये हार जाएंगे पहलवान, अगर यहाँ से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी की, युवाओं की, उनकी सोच पे चल के ये लोग राजघाट पे, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और महात्मा गांधी जी के राजघाट पर, उनकी वहाँ पे बैठ कर सुनो बैठ कर उनकी तरफ देखेंगे, उन्होंने ऐसे आजाद मुल्क की कामना की थी। और ये मेडल भी किसी नदी में, दरिया में बहाए गए, तो ये 140 करोड़ का मुल्क उनकी भावना और उस मेडल को निकाल नहीं पाओगा। लगातार वो ये कह रहे कि मेरे खिलाफ कोई सबूत तो दो आप। उनके खिलाफ सबूत, सुनो सबूत ये है, 74 से लेकर अब तक 2023 हो गया, 85 मुकदमे दर्ज है, 38 की लिस्ट यहाँ है। पहला उनका करेक्टर का सबूत, दूसरा उनकी सामंतवादी सोच का सबूत। यहाँ पर पुराने पहलवान बहुत बैठे हैं, वो सब बता रहे हैं। जब हम उनके पास जाते थे और कहते थे आप थोड़ा बहुत फेडरेशन में ये बदलाव करो, ये चेंजेज, वो आदमी कहता था यहाँ नज़र नीची करके अपील की जाती है, यहाँ पर आँखें ऊँची करके कुछ मांगा नहीं जाता। तीसरी बात, जब देश की लड़कियाँ यहाँ 3 महीने पहले बैठकर, आज भी बैठ कर खुले तौर पर कह रही हैं कि हमारे साथ यौन शोषण होया है, छेड़छाड़ होया है, तो क्या प्रूफ देगा? कल को पत्रकार साहब, आपकी सिस्टर गली में से आती है और आपको आके कहती है भैया मेरे को उस गली में छेड़ा, और आप अपनी बहन से सबूत मांगते हो, दीदी सबूत क्या है? और पुलिस भी जब आप एफआईआर कराने जाते हो सबूत मांगते हो, तो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ भाई, आप और आपकी सिस्टर क्या सबूत दोगे? आप बताइए, आँख मारने का क्या सबूत दोगे? छेड़ दिया उसने, क्या सबूत दोगे? जब एक लड़की ने प्रधान चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री ने उन्हें कह दिया था, जब एक महिला ने किसी पर आवाज़ उठा दी
तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और तय तक पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश की महिलाओं की, आप भी अपने आस पड़ोस में देखते होगे, मेरे आस पड़ोस में, मेरे और शहरों में मैंने देखा कई जगह शराबी हैं, औरतों को पीटते रहते हैं। जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो भी वो लेडीज, वो औरतें 10 साल बाद बोलती हैं, क्योंकि ये इतनी शाही होती हैं, अपने इज्जत का, अपने उसका शोषण होता रहता है, लेकिन ये कभी आवाज़ नहीं उठाती। औरत कोई भी, हिंदुस्तान की औरत या बाहर की, इस देश पुरुष प्रधान देश में औरतों ने आवाज़ जब जब उठाई है, जब उनके साथ आती होगी है, बगैर आती का कोई आवाज़ नहीं उठाई है। चाहे आपकी बहन बेटी हो, चाहे मेरी हो, तो हमने गुंडे भी देखे हैं, उनका भी आवाज़ उठाई है, तो साथ साथ 10-10 साल बाद पिटती रहती हैं, मरती रहती हैं, शराबियों का आके तंग होती रहती हैं। आपने भी देखा है ना, ये हमारी बहन माँ बेटी भी तंग हुई। संवेदनशील माँ कुछ बोल रहे हैं कि शाहीन बाग बनाने को स्टोरी जंतर मंतर को, किसको जंतर मंतर को साजिश हो रही है। अगर वो धर्म से देखेंगे ना इसको शाहीन बाग बनाने की, तो हम इसको शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। क्यों? क्योंकि शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं वो अपनी बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए तो आ सकती हैं, लेकिन बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है और वो शाहीन बाग को जिस तरह से उनका मीडिया दिखा के बदनाम करता है, उस तरीके का यहाँ व्यवहार नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से आस है कि आप लोग एक टाइम पर कहते थे प्रधानमंत्री चुप प्रधानमंत्री, मौन प्रधानमंत्री है, कुछ नहीं बोल जानता। आज ये क्या है भाई, सारे देश के ऊंचे पदों पर बैठे आदमी मौन है। यहाँ पर बहुत जल्दी भगवान राम भी आएगा, उस राम के सामने हाथ जोड़ गए पूरा देश बैठेगा। अगर जब जिस देश में प्रधानमंत्री न्याय नहीं दिला सकता, राष्ट्रपति न्याय नहीं दिला सकता, तो भगवान राम से आस करके ये न्याय मांगा जाएगा और उस न्याय पर, उस लाइन पर चला जाएगा। और वो आपको बता दी है, अमेरिका की तरह अगर ये मेडल किसी दरिया में बा दिए तो दरिया भावनाएं और सोच और किसी देश की इज्जत को बा ले जाते हैं, दरियाओं का कोई गहरा ही नहीं नाप सकता। 140 करोड़ का ये मुल्क है ना, पहलवानों के धरने में तमाम पार्टी के लोग पहलवानों के धरने में पार्टी में आरोप लगा रहे हैं, ये तो खुद आरोप लगा रहे हैं वो करोड़ों की फंडिंग हुई है। एक बात बताओ, अगर पहलवानों के धरने में विपक्ष यहाँ नहीं आएगा तो 140 करोड़ की जनता किस लिए बैठी है? इनको वैसे ही राजनीति करने देंगे हम? इनको यहाँ आना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ वहाँ इकट्ठे बैठते हैं, ये एक साथ बैठते हैं सारे। और हम इनसे कहना चाहते हैं खुला खुला चैलेंज कराओ, आप उस 800 सांसदों में बैठते हो यहाँ के, ये बताते हैं अगर उस लोकसभा में 800 सांसद बैठे जिसमें सबसे ज़्यादा आपराधिक रिकॉर्ड इस आदमी के नाम है, इस पर नकेल एक ही आदमी कर सकता है, सब पार्टियों ने आगे बताई है, ये हमसे तो बड़ा गुंडा है, इस पर नकेल प्रधानमंत्री या गृह मंत्री रख सकते हैं, इसलिए ये आके बताते हैं। और विपक्षी पार्टियों का धर्म है, क्योंकि बेटी बेटी तो उनका कह तो रहे हैं मोदी नड्डा या तो अमित शाह कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, कौन कह रहे हैं फिर मोदी जी क्यों नहीं दे इस्तीफा दिलवा रहे? मजबूरी है मोदी जी, क्या कारण है मोदी जी की? तो मोदी जी के पाले में गेंद डाल दी है क्या? मोदी जी के पाले में गेंद चली गई है, मोदी जी नड्डा और अमित शाह और मोदी कहेंगे तो डाल दी, तो प्रधानमंत्री का क्या धर्म नहीं बनता? जो इन पहलवानों को व्यक्तिगत तौर से जानते हैं उनका धर्म नहीं बनता? एक प्रधानमंत्री बीजेपी के पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक गुमनाम चिट्ठी पर ले गए, एक गुमनाम चिट्ठी आई जिसमें एक बेटी ने बताया, ना मैं नाम बता सकती ना एड्रेस, मैं डेरा सच्चा सौदा बाबा में मेरा यौन शोषण हो रहा है, ऐसी बहुत सी महिलाएं प्रधानमंत्री जी बचाओ। प्रधानमंत्री ने सीबीआई को कॉल दी, डेरा सच्चा सौदा में सीबीआई 2 साल रही, साक्ष्य जुटाए और उसको जेल के अंदर डालने का काम कराया। वो प्रधानमंत्री नेता तो बीजेपी के थे लेकिन प्रधानमंत्री देश के थे। आज दोबारा ये सवाल खड़ा हो रहा है, अब प्रधानमंत्री जी नेता तो बीजेपी के हैं, कहीं प्रधानमंत्री भी बीजेपी के ना बनकर रह जाए, या फिर उनमें तानाशाही और अहंकार है? हम प्रधानमंत्री मोदी से अपील करना चाहते हैं, मन की बात में भी जिक्र नहीं किया तो समान एपिसोड में भी बात नहीं की पहलवानों। मन की बात जो है वो प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 100 करोड़ भारतीय बताते हैं, एक बार सुनते हैं, और उसमें भी प्रधानमंत्री जी जश्न मनाया उनके 100 साल अपने प्रधान अपने देश के प्रधानमंत्री उसमें भी और आवाज नहीं उठाते, तो उसके 2 कारण हैं। एक, वो किसी भी मुद्दे पर जनमन मुद्दे पर आवाज़ उठाते,
वो किसानों पर भी आवाज़ नहीं उठाते, वो दलित मजदूरों पर भी आवाज़ नहीं उठाते, वो कठुआ गैंग रेप पर भी आवाज़ नहीं उठाते, वो हाथरस वाले पर भी आवाज़ नहीं उठाते। उन आवाज़ आज तक उठाई कब है? वो फुल टाइम पॉलिटिक्स देखते हैं, वो नफा और नुकसान देखने लग गए हैं। ऐसा लोगों को प्रतीत होता है। मजबूत प्रधानमंत्री मिला है कई सालों के बाद। मजबूत प्रधानमंत्री है क्योंकि अपना प्रधानमंत्री पद और उस कुर्सी की गरिमा को हम तार तार नहीं कर सकते। उनकी इज्जत करेंगे लेकिन अपील करते हैं प्रधानमंत्री जी, अगर आप आओ और इन बेटियों को न्याय दिलाओ। जो शाहीन बाग में थे, जो किसान आंदोलन में, वही यहाँ दिखा जा रहे हैं। ये मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट है। दरअसल क्या है, सुनो, थाउजेंड ब्लेड ऑफ थ्योरी बना रखी है इनने। थाउजेंड ब्लेड ऑफ थ्योरी है, एक ब्लेड रोज मारो। जब किसी किसी को ब्लेड मारेंगे, कोई किसी भी वर्ग में बटिया हो देश का आदमी, लेकिन बेटियों के मामले में एक है। आपका मेरा मुद्दा किसान का हो सकता है? भाव अंतर ऊपर नीचे हो जाएंगे, भाव 2 रुपए कम दे दिए, ज्यादा दे दिए, कोई असर थोड़ी पड़ता है, लेकिन बेटी के साथ छेड़छाड़ होगी, ये कोई बर्दाश्त थोड़ी कर सकता है। बेटी का मुद्दा तो हर घर का है, हर आदमी का है, हर औरत का, हर भाई का, हर बहन का है, हर कौम का है, हर जात का है, पूरे विश्व का ही है। और इस पुरुष प्रधान देश में तो पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठी है। क्या इस पुरुष प्रधान देश में ये क्या मानसिकता है जो बेटियों को आज भी इतना डिजिटल होने के बाद कहाँ जा चुकी है दुनिया? आज भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि साक्षी फोगाट और विनेश फोगाट पूरी दुनिया की मेडलिस्ट है। वर्ल्ड चैंपियनशिप आपने पता है, आप खेलों में हो या नहीं हो, पूरे वर्ल्ड का होता है, ओलंपिक पूरे वर्ल्ड का होता है। दोनों प्लेयर यहाँ बैठे हैं और 2 ही मेडल हैं हमारे, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुश्ती में और एक ओलंपिक में, दोनों मेडलिस्ट यहाँ बैठे हैं। जब मोदी अमित शाह और नड्डा के हाथों तो पाले में गेंद जो डाल दी गई है ब्रजभूषण की तरफ से, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, न उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी और जीत कैसे होगी आपकी? दरअसल देश का प्रधानमंत्री चुप है, दरअसल चुप है और गृह मंत्री चुप है, तो कैसे लड़ेंगे? भाई यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी इलेक्शनों में बिजी हैं, चुनाव में बिजी हैं, हो सके उनके पास आवाज ना पहुंची हो आवाज, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे बैठे ना, ये आवाज, इसके बारे में सुनो, इस आवाज आवाज हमेशा पहुँचाएंगे जिस तौर से चाहेंगे ना ये सरकार, जिस तौर से चाहेगी हम उस तौर से बोलेंगे। अगर ये सरकार बैरी बनने की कोशिश करेगी ना, हम और जोर से बोलेंगे। तो ये देश की एकता बचाने की भी लड़ाई है, और इस लड़ाई में ना दीपेंद्र हुड्डा दागदार होगा, ना ये प्लेयर दागदार होंगे, ये सच ऐसे ही सामने आता रहेगा। हाँ एक बात जरूर है, यहाँ सोशल मीडिया के चैनल वाले हैं, कुछ लोग अपने पेड वर्कर भेज गए यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से वो वीडियो बनाकर आईटी सेल में देते हैं ताकि यहाँ पर राजनीतिकरण और धार्मिकरण का हो। लेकिन हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये धरना देश की बेटी होगा ना, यहाँ राजनीतिकरण होगा ना धार्मिकरण होगा। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, यहाँ जो न्याय है वो मिलकर रहेगा। अगर यहाँ नहीं मिला तो देश में है ना छेड़छाड़ के लिए लगा कानून बन जाएगा। कोई किसी से छेड़छाड़ करो, आपकी बहन से, किसी की बहन से, कोई उनको FIR लिखवाने वाला नहीं मिलेगा। और लास्ट में मैं ये कहता हूँ, देश के कानून न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय जिनने ये संज्ञान लिया उन पर हमने भरोसा है। अब वो देश के ऐसे गुंडे जो 74 से क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बच नहीं पाऊंगे।